नारायण गीता के छठे अध्याय के अनुसार भगवत प्राप्ति के लिए ही जिनका जन्म होता है वे प्रवृत्ति मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। उनके जीवन में जो योग की निष्ठा होती है वह निष्ठा समय पर उन्हें निवृत्ति परायण बना देती है। बस इस सिद्धांत के अनुसार ही जब मैं पलने पर था तब मुझे पता हो गया था मुझे प्रवृत्ति मार्ग का अनुगमन नहीं करना है, मैं तो निवृत्ति मार्ग का ही पथिक हूँ। भगवान मनु ने लिखा भी है, निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति परमानंदा स्वरूप परम पद की प्राप्ति में है। इस दृष्टि से विचार करने पर यद्यपि जन्मभूमि के पास विद्यालयों में और दिल्ली में भी दसवीं कक्षा तक विज्ञान की शिक्षा मैंने प्राप्त की, लेकिन मेरा गंतव्य भगवत तत्व ही मन में था। उसी से प्रेरित होकर मैं इस अध्यात्म पथ पर आया और कई महापुरुषों के संसर्ग के बाद वाराणसी में निवास करने वाले विश्वविख्यात धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाभाग के चरणों में मैं नतमस्तक हुआ। उन्हीं से संन्यास की दीक्षा प्राप्त की और वेद वेदांतों का अध्ययन भी उन्हीं से किया। साथ ही साथ गोवर्धन मठपुरी पीठ के जो उस समय मान्य शंकराचार्य स्वामी निरंजन देवत्री जी महाभाग थे उनसे भी मैंने 5-6 वर्षों तक चातुर्मासी के दिनों में अध्ययन किया है। इसी प्रकार पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम में वृंदावन में निवास करके मैंने उनसे भी श्रीमद्भागवत इत्यादि का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। भारत के जो विश्व स्तर के संत महात्मा और विद्वान हुए हैं उनके संपर्क में रहकर मैंने वैदिक वाग्मय का अध्ययन करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ गणित आदि को लेकर जो मेरे जीवन में वैदिक विज्ञान प्रतिष्ठित है उसमें भगवान सूर्य का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी अनुकंपा से मुझे वैदिक विज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको यह पता होगा ही कि श्री गोवर्धन मठपुरी पीठ के 143वें जगतगुरु शंकराचार्य स्वनाम धन्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग विश्वविख्यात वैदिक मैथमेटिक्स के विद्वान थे। उनका जो वैदिक मैथमेटिक्स नामक ग्रंथ है पूरे विश्व में चर्चित है। भगवत कृपा से, भगवान सूर्य की कृपा से मुझे वह ज्ञान पुरी में प्राप्त हुआ, जिसके प्रभाव से 10 ग्रंथ अब तक गणित पर लिख चुका हूँ, 2 ग्रंथ कंप्यूटर में है, 0 और 1 पर ही मेरे अधिकांश ग्रंथ हैं। और मैं समझता हूँ कि निमित्त तो उस ग्रंथ के लिखने में मैं ही माना जाता हूँ, लेकिन भगवान की अनुकंपा ही है। 5-7 हज़ार वर्षों से गणित का जो दिव्य विज्ञान दार्शनिक स्रोत मौलिक स्वरूप और सैद्धांतिक स्वरूप विलुप्त था वह उन ग्रंथों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। साथ ही साथ हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कर्पात्री जी महाभाग ने वेद वेदांतों का अध्ययन कराते समय इसी काशी में कहा था कि आगे नास्तिकता का तांडव नृत्य होने वाला है, इसलिए श्रुति युक्ति और अनुभूति तीनों दृष्टियों से जो बिल्कुल अकट सिद्धांत हो उस पर प्रकाश डालना तो विश्व प्रभावित हो सकता है। इस रॉकेट कंप्यूटर मोबाइल एटम के युग में भी मैं उनके बताए हुए सूत्र के आधार पर उस ढंग से प्रवचन करता हूँ। लेखन भी मेरा प्रसिद्ध ही है, अब तक लगभग 140 ग्रंथों को लिख चुका हूँ, उसमें 120 या 25 प्रकाशित हैं, बाकी कंप्यूटर में अधूरे हैं। दर्शन विज्ञान और व्यवहार इन तीनों में सामंजस्य साध करके मैं बोलता भी हूँ लिखता भी हूँ। और एक विचित्र बात है कि मेरी यह दृढ़ धारणा है और वेदादि शास्त्रों के सर्वथा अनुकूल ही है, इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत जो कि दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर सर्वोत्कृष्ट है, जिसकी उपेक्षा करके लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष तो संभव है ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति सर्वथा असंभव है।
इस दृष्टि से मैं जो कुछ लिखता हूँ, दर्शन भी विषय है, समाजशास्त्र भी विषय है, विकास और विमर्श भी ग्रंथ का विषय है, अर्थशास्त्र भी है, इसी प्रकार से आयुर्वेद इत्यादि विविध विषयों पर मेरे ग्रंथ हैं। और अभी लगता है कि जीवन शेष है, शरीर स्वस्थ है, तो लगभग 10,000 पृष्ठों की सामग्री मस्तिष्क में और है। गणित को लेकर ही दुर्लभ विज्ञान में ऐसा लगता है कि 2,000 पृष्ठों के अवश्य मस्तिष्क में है। मैंने संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर दिया। जब व्यक्ति के जीवन में भगवान की उपासना होती है और धीरे धीरे वह मन को पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश का जो मूल सूक्ष्म रूप है वहाँ पहुँचाने में समर्थ होता है और दिक् काल के स्वरूप पर भी विचार करता है और अंत में प्रकृति से भी अतीत जो परमात्मा है वहाँ तक मन को पहुँचाने में समर्थ होता है, तो विश्व के सारे ज्ञान विज्ञान उसके मस्तिष्क में अभिव्यक्त हो जाते हैं। वास्तविक सिद्धांत यह है कि हमारा आपका यह पहला जन्म नहीं है, अनादिकाल से हम जन्म लेते रहते हैं, शरीर त्यागते रहते हैं, तो किसी भी विषय का ऐसा विज्ञान नहीं जो हमारे मस्तिष्क में पहले से सन्निहित न हो। केवल यदि अध्यात्म विद्या का पूर्ण विज्ञान होता तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई होती, फिर जन्म ही नहीं होता। तो उपासना के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा व्यक्ति के जीवन में दूरदृष्टि का संचार होता है। जैसे संजय की बात, संजय को भगवान ने महाभारत युद्ध पर्यंत उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, दिव्य शक्ति भी प्रदान की। इसी प्रकार भगवान वेदव्यास इत्यादि मेधा शक्ति की प्रगल्भता से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की धारणा के बल पर दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। देवर्षि नारद को ले लीजिए, आज अगर हेलीकॉप्टर की तो गति नहीं है, रॉकेट के माध्यम से भी कोई लोक लोकांतरों की यात्रा करना चाहे उतना शीघ्र नहीं कर सकता। देवर्षि नारद संकल्प मात्र से वैकुंठ से लेकर मर्त्यलोक में दो क्षण में आ जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जीवन में चमत्कृति लाने का प्रयास होता था और महायंत्रों के माध्यम से जो कार्य होते हैं उसमें ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अवश्य विकृत और क्षुब्ध होते हैं और अंत में समष्टि संक्रामक रोग के कारण, सन्निपात रोग के कारण सबके जीवन के लिए महायंत्र घातक सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में दाल में नमक के समान विश्वकर्मा हों, नल नील आदि हों, पुराने जो हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर थे जिन्होंने पुष्पक यान की रचना की और वज्र की रचना की, सेतु की रचना की, वो चमत्कार पूर्ण कार्य भी दिखाते थे और बहुत से भवन भी बनाते थे, लेकिन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग न हो इसके लिए सावधान रहा जाता था, क्योंकि इसके साथ जो हर प्रकार की विसंगतियां हैं मानव जीवन के लिए ही नहीं समग्र प्राणियों के लिए घातक हैं। अतः मेधा शक्ति की प्रखरता के बल पर हमारे ऋषि सब काम कर लेते थे, आराधना के बल पर कर लेते थे और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए और स्वावलंबी रहने के लिए जितने श्रम की अपेक्षा थी उतना श्रम उनके जीवन में बना रहता था। श्रम शक्ति और ज्ञान शक्ति या मेधा शक्ति, आजकल कहते हैं बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, वो कोई विभाजक रेखा नहीं थी। जैसे प्रधानता तो थी, विभाजक रेखा नहीं थी। हमारे आपके जीवन में कर्मेंद्रियाँ भी हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ भी हैं, प्राण भी है, अंतःकरण भी है। अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रियों को ले लें तो ज्ञान शक्ति है और प्राणों को ले लें, कर्मेंद्रियों को ले लें तो श्रम शक्ति है। जीवन पूरा चलता है श्रम शक्ति और ज्ञान शक्ति में सामंजस्य साध करके। तो जीवन की संरचना जिस विधा से है उस विधा से अगर हम कार्य करें तो महायंत्रों की दासता के बिना ही बहुत से कार्य संपन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे यंत्र हैं जिनके माध्यम से रोगी के रोग का पता चलता है, लेकिन हमारे महानुभाव पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की गति को देख करके, जीवन जो हमारा बना है पंचभूतों का संघात है, तो नाड़ी विज्ञान के बल पर 2-3 क्षणों में रोग का पता लगा लेते थे। और दवा की ऐसी विशेषता थी क्योंकि वो पंचभूतों के विज्ञान के आधार पर बनाई जाती थी कि एक दवा कई रोगों के मूल को ही नष्ट कर देती थी, आगे किसी रोग को उत्पन्न होने ही नहीं देती थी।
इसका मतलब है समस्या हो तब तो समाधान की अभिव्यक्ति हो। महावेंत्रों के युग में समस्या बढ़ती जाती है, समाधान करने के लिए व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता रहता है, अंत में समस्या के आगे व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति के परिश्रम घुटना टेकने के लिए बाध्य होते हैं। इन सब दृष्टियों से विचार करके विकास का मापदंड यह है कि मानव जीवन की जो अपूर्वता है धर्म अर्थ का मोक्ष प्राप्त करना, उस पर पानी न फिरे, ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन में क्षोभ या विकृति न आवे, और प्रशस्त मान बिंदु जो गंगा गाय इत्यादि हैं उनका जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, उनका विलोप ना हो, हमारे मान बिंदु सुरक्षित रहें। पहली बात यह है पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ऊर्जा के स्रोत विकृत दूषित कुपित ना हो, और विसंगतियां जीवन में इतनी न छा जाए कि एक प्रकार से विचार करें तो आर्थिक विपन्नता और आर्थिक अनावश्यक विषमता का ग्रास मनुष्य बन जाए, और ऐसे जीवन में उत्तेजना उत्पन्न न हो कि एक जीव दूसरों के लिए अपने के लिए विशेषकर मनुष्य घातक भस्मासुर बन जाए। आज थोड़ा विचार करें तो ये जितने स्थावर प्राणी हैं तरलता गुल्म इत्यादि, इनके लिए मनुष्य मनुष्यों के द्वारा विकसित महायंत्र घातक सिद्ध हो गए या नहीं? और जब हम ये वनस्पति पेड़ पौधे इत्यादि हैं इनके साथ अत्याचार अन्याय करते हैं, इनके द्वारा हमारा जीवन गुप्त और प्रकट पोषित है, अपने साथ अत्याचार करते हैं, विद्युत आदि का विशेष प्रयोग करने से महायंत्रों का विशेष प्रयोग होने से मनुष्य के अतिरिक्त जितने जंगम प्राणी हैं कीट पतंग इत्यादि उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं नहीं? तो वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और जंगम प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, अंत में मानव की भी प्रजातियां विलुप्त हो रही है, और एक व्यक्ति अपने अतिरिक्त अन्य मनुष्य के लिए भी शोषक और घातक सिद्ध हो रहा है, अंत में वो भस्मासुर के समान अपने लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। इसलिए हमने उस दिन बल दिया था कि वेद सम्मत विज्ञान के आधार पर हमें काम करना चाहिए। पुष्पक यान की महत्ता आज भी परिलक्षित है, तो गिने चुने व्यक्तियों को सही, लेकिन हमारे यहाँ जल स्थल नभ तीनों में जिनकी गति थी, जैसे यान भी बनाए गए थे, एक ही यान जल स्थल नभ तीनों में काम करता था। शुक्र नीति का आज मैं अध्ययन कर रहा था, उसमें फव्वारे इत्यादि का भी वर्णन है। तो महायंत्रों की संरचना में भी यह तो ध्यान रखना पड़ेगा कि महायंत्रों का संचालन जिस सामग्री से हो उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न न हो, ताकि जीवनी शक्ति के ऊपर आघात ना हो। इसीलिए सब कुछ सोच समझकर मनु ने बताया, भगवान मनु ने कहा कि महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन जो है अराजकता को जन्म देने वाला है, और महायंत्रों का जो प्रवर्तन है वह जीवनी शक्ति के लिए अपघातक है। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपघातक ना हो, साथ ही साथ ऊर्जा के स्रोत हमारे विकृत कुपित ना हो, मान बिंदु हमारे सुरक्षित रहें, और मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में अवरोधक ना हो, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फिर जो जितने अंशों में यंत्रों की आवश्यकता है उतने अंशों में यंत्र का आविष्कार प्रयोग ही हितकर है। साथ ही साथ मैं एक संकेत और करना चाहता हूँ, भीष्म जी ने बताया कि राज्यम पर्ण्यम नकारयत, राज्य को राष्ट्र को व्यक्ति के जीवन को किसी भी वर्ग को बाजार का सौदा नहीं बनाना चाहिए। आज पूरा विश्व हर व्यक्ति हर तंत्र हर वर्ग हर देश अपने को बाजार का सौदा बनाने लगा है। इन सब दृष्टियों से यही सिद्ध होता है कि हमारे ऋषियों ने जो मार्ग दिखाया उसी से हमको शांति मिल सकती है, अंत में सुख मिल सकता है, क्योंकि गीता में कहा शांता से कुता सुखम, शांति मिलेगी तो सुख भी मिलेगा, सुख और शांति का मार्ग अवरुद्ध न हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही महायंत्रों का उचित प्रयोग और आविष्कार अपेक्षित है। अगर सुख शांति पर ही आघात पहुंच जाए, जीवनी शक्ति ही विकृत हो जाए और ऊर्जा के स्रोत ही क्षुब्ध हो जाए, तो महायंत्रों का प्रयोग अवश्य घातक सिद्ध होता है। भारत हो या कोई अन्य देश, अब उसकी लाचारी है कि वो आध्यात्मिक मनुष्यों से संपर्क साधकर जो गिने चुने महानुभाव वैदिक वाङ्मय के विशेषज्ञ हैं, आध्यात्मिक मनीषी हैं, उनसे संपर्क साध के
विकास को परिभाषित करे और क्रियान्वित करे, नहीं तो विकास के नाम पर ही विनाश, संपन्नता के नाम पर ही दरिद्रता का तांडव नृत्य होगा। जिसको व्यक्ति देख रहे हैं विकास, उनको यह नहीं समझ में आता कि वेदादि शास्त्रों के अनुसार विकास का सचमुच में स्वरूप क्या है। हमको गुरुओं की कृपा से, ग्रंथ और गोविंद की कृपा से वेदादि शास्त्रों का अधिगम है, तो हम देख पाते हैं कि विकास के नाम पर विनाश की ओर द्रुत गति से जीवन पहुंच रहा है। इसलिए अगर इसी गति से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की विधा चलती रहे तो विश्व का विनाश ही हमको दिखाई पड़ता है और अंत में भारत को जागने की आवश्यकता है। पहली बात है कि प्रकृति स्वयं कुपित होकर महायंत्रों के युग को विफल कर दे, या मनुष्य विवेक का परिचय देकर स्वयं इसको संयत रखे। दो में से एक को ही स्वीकार करना पड़ेगा। या तो मनुष्य अगर चेतता नहीं है तो प्रकृति मोक्ष क्षमता है, क्योंकि भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है, प्रकृति के परिकर का नाम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश है। ये स्वयं ही अपने में स्वस्थ क्रांति को जन्म देने में समर्थ हैं। उदाहरण के लिए गंगा को लेकर जब शासन तंत्र जागरूक नहीं हुआ तो जो कुछ हुआ था उत्तराखंड में आपको मालूम है। मंदाकिनी ने अपना मार्ग निकाल लिया और क्या प्रलय का स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। इससे सिद्ध हो गया ना कि अगर हम ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ऊर्जा के स्रोत अपनी सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तांडव नृत्य भी कर देते हैं, भूकंप आदि के रूप में, वात्या आंधी के रूप में, सुनामी लहर के रूप में। इस दृष्टि से तो यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को विवेक का परिचय दे करके दाल में नमक के समान यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आधान आप यंत्र में करिए या अपने जीवन में प्रज्ञा शक्ति को, प्राण शक्ति को उत्पन्न करके स्वस्थ जीवन की संरचना कीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी जो गेंदे आदि के पौध होते हैं, आम के पौध होते हैं, आपने देखा होगा पुष्प फल से लगे ही लगाए जाते हैं, तो कितना फल दे पाते हैं, कितना पुष्प दे पाते हैं, उनकी आयु कितनी हो पाती है। और पहले आम का पौधा लगाइए तो 12 साल में जा करके वो फूल देता था, फल देता था, लेकिन 100-100 वर्ष उसकी आयु भी होती थी। 100 वर्षों में कितनी छाया देता था, कितना फल देता था। अच्छा, जो फूल होते थे वो भी कितने बड़े होकर फूल देने लगते थे। धान को देखिए, धान के पौधे 6-6 फीट ऊँचे होते थे, उसमें बालियाँ खूब लगती थी, अन्न खूब लगते थे। तो आज विकास के नाम पर एक और हम देख रहे हैं ना कि जीवनी शक्ति, वनस्पतियों की जीवनी शक्ति, पेड़ पौधों की जीवनी शक्ति, क्योंकि जो जितना जल्दी फल देगा उतना जल्दी ही विलुप्त होगा। क्या जो जितना जल्दी फल देगा वो उतना जल्दी ही विलुप्त होगा। तो पेड़ पौधों की नए ढंग से जो विकास की चर्चा चल रही है उससे पेड़ पौधों की आयु और उनकी उपयोगिता तो कम हो रही है। सीधे तत्काल उपयोगिता हो, गीता में कहा गया कि एक वह सुख है जो तत्काल सुख दे, कालांतर में सुख का परिणाम दुख हो जाए। पहले अमृतोपम, बाद में विष, जैसे खुजली, खुजली तत्काल तो बढ़िया लगे, बाद में रुला दे। लेकिन व्यायाम करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, ब्रह्मचर्य संयम का पालन करते हैं, आरंभ में कष्ट होता और अंत में सुख मिलता है। तो तात्कालिकी उपयोगिता जो है महायंत्रों की देन है, और तात्कालिकी उपयोगिता के चपेट में आकर के व्यक्ति लाभ तो कम प्राप्त कर पाता, हानि की पराकाष्ठा हो जाती। इसलिए भारत को भी, अगर ये भारत का शासन तंत्र अपनी चेतना शक्ति के बल पर सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता की किंकरता को नहीं छोड़ता तो हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना। हम लोग केवल प्रवचन तक सीमित नहीं है, जो हमारे हृदय में भाव है उसको व्यावहारिक धरातल पर शासन तंत्र का रूप देना भी हम लोग जानते हैं। तब हम राज्य तो नहीं करेंगे, लेकिन राज्य हमारे हाथ में होगा ताकि वेद सम्मत विज्ञान के अनुसार भारत को विकसित किया जा सके, इसके अस्तित्व राजस्व की रक्षा की जा सके और पूरा विश्व भी लाभान्वित हो। हमको अंदर की बातें मालूम हैं। अभी पाश्चात्य जगत अपने स्वार्थ के लिए तो महायंत्र इत्यादि का वो बेच रहा है, और जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं वो खरीदते भी हैं। लेकिन पाश्चात्य जगत अभी
निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय मनीषियों ने जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे तो अधिक दिनों तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और हमारा देश भी समृद्ध नहीं रहेगा। इसलिए कितनी भी चिड़िया उड़े, आकाश चारा है धरती के पास, पृथ्वी ऊपर ऊंचाई तक, चिड़िया पक्षी ऊपर ऊंचाई तक उड़ान भर ले, लेकिन जब से थकान का अनुभव होता है, भूख प्यास का अनुभव होता है, तब पृथ्वी पर आने के लिए विवश है। इसी प्रकार से विकास के जो मापदंड हैं, मूल स्रोत, लक्ष्य मानव जीवन की सृष्टि रचना के प्रयोजन का विज्ञान प्राप्त करके विकास के मार्ग को परिभाषित करना चाहिए। पहले मुझे ऐसा लगता था जब मैं जहाँ उड़ीसा में बालेश्वर क्षेत्र में चांदीपुर है, मिसाइलें बनती हैं, जहाँ अब्दुल कलाम जी पहले डायरेक्टर थे, अब विनय दास जी हैं, वहाँ गया, विविध विश्वविद्यालयों में गया, अभी अहमदाबाद में भी गया था, हाँ वहाँ भी गया था, विविध संस्थानों में गया, मुझे एक बहुत आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता हुई। मैंने दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर वेद सम्मत विज्ञान पर जब प्रवचन किया उसमें हिंदू अहिंदू सब प्रकार के श्रोता थे, बहुत से वैज्ञानिक थे, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। इससे मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर अगर सनातन सिद्धांत को प्रचार तंत्र के माध्यम से विश्व स्तर पर पहुंचाया जाए तो पूरा विश्व हमारा अनुगमन करने के लिए बाध्य है, और पूरा विश्व जानता भी है, जितने प्रबुद्ध व्यक्ति विश्व में हैं, कि सनातन वैदिक महर्षियों से ही, भारतीय मनीषियों से ही विश्व को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और प्रशस्त विवाह विज्ञान इत्यादि प्राप्त हुआ। आज भी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह इत्यादि के जो हमारे प्रकल्प हैं सर्वोत्कृष्ट हैं, पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार है। गिने चुने जो अराजक तत्व हैं, जो हमारे महत्व को जानकर हमारे अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करना चाहते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार है। यदि भारत का केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र हमारे दर्शन के और शास्त्र के और मनुष्यों के महत्व को समझता है तो हम जल्दी सफल हो सकते हैं, अन्यथा कुछ समय लग सकता है। केवल मैं एक संकेत करता हूँ, 192 सूत्र मान लीजिए योग दर्शन में, छोटे छोटे वाक्य हैं। आजकल जो देश विदेश में ये 50 वर्षों की अवधि में विख्यात योगी हुए हैं, दो चार सूत्र के आधार पर ही वो प्रशस्त हो गए। अब कहीं 192 सूत्रों का कोई विशेषज्ञ योगी निकले और वो प्रचार भी करे तो कितनी चमत्कृति उसके जीवन में होगी, कितना व्यक्ति प्रभावित होंगे। एक दो सूत्र के आधार पर ही जो विश्व स्तर का व्यक्ति योगी बन जाता है, प्रधानमंत्री और विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी हमारे योग पर लट्टू हैं, जबकि मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ कि 192 सूत्रों में दो तीन सूत्र के आधार पर ही वो विश्वविख्यात योगी बन जाते हैं। तो मैंने एक संकेत किया कि हमारे यहाँ तो विशाल ग्रंथ के एक एक पंक्ति को लेकर विश्व में कायाकल्प हो सकता है। जैसे अभी हमने कहा राज्यम पर्ण्यम न कारयत, व्यक्ति के जीवन का, वर्ग के जीवन का, तंत्र के जीवन का, राष्ट्र का, राज्य का विकास उस ढंग से करो कि बाजार का सौदा मत बनने दो, या महायंत्र प्रवर्तनम, छोटे छोटे सूत्र जो हमारे हैं वो भी पूरे विश्व को चमत्कृत कर सकते हैं। इसलिए जितने विद्यार्थी हैं उन सबको हम कहना चाहते हैं कि जीवन की सार्थकता के लिए इस बात पर ध्यान दें कि प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति न निकले। उस गति की सार्थकता नहीं होती जिस गति की गति गंतव्य तक नहीं होती। गति की सार्थकता तब मानी जाती है जब गति की गति गंतव्य तक हो, नहीं तो गति की दुर्गति मानी जाती है। मैं प्रश्न करके स्वयं उत्तर देना चाहता हूँ, विश्व में आज जितनी प्रवृत्तियाँ भौतिक विधा से अपनाई गई हैं, किसी प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल सकती है? भारतीय यान, चाहे हेलीकॉप्टर हो जो या वायुयान हो, हवाई जहाज हो, कुछ समय तक पृथ्वी पर उसे चलाते हैं। किस लिए? कि पृथ्वी को छोड़ने का अनुकूल बल और वेग उसमें प्राप्त हो सके, आगे वो अनुभव मार्ग से यात्रा करते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ प्रवृत्ति ढंग से अपनाई गई कि मनुष्य या जीव अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सके। तो जीवन में जो कुछ आज विकास के नाम पर हो रहा है, लक्ष्य तो है ही नहीं,
मानव जीवन और पूरे जीवों के जीवन को टटोलने, उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति के नियामक को टटोलने, तो लगता है कि लक्ष्य विहीन और खाओ पियो मौज उड़ा हो। अगर यही जीवन का लक्ष्य होता तो जब मैं पश्चिम बंगाल में ज्योतिर्वसु जी के शासनकाल में बोलता था कि गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर, भौतिकवाद पर पानी फेर देता है। भौतिकवादी जितने हैं वो शरीर को आत्मा मानते हैं, लेकिन गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है, गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तो शरीर को भुलाने की भावना होती है नहीं, और गाढ़ी नींद में शरीर भूल जाते या नहीं। इसका मतलब भौतिकवाद की मान्यता पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। अनुकूल विषय का अनुकूल इंद्रिय से संगम होने पर जो आह्लाद प्राप्त होता है उसे विषयजन्य आनंद कहते हैं। भौतिकवादी विषयजन्य आनंद के ही रसिक, पक्षधर, यासिक होते हैं, लेकिन जब गाढ़ी नींद का वेग आता है तब उस आनंद को भी भुलाकर सोने की भावना होती है। तो वह विज्ञान सुसुप्ति का वेग ही जिस पर पानी फेर दे, उसको लेकर कितने समय तक हम नाचते रहेंगे।